हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरर इन डिवीजन। इससे पहले हमने पढ़ा एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मीन्स जब दो एरर टू क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें भी कुछ एरर आया करता है। इन सिमिलर वे इफ वी डिवाइड टू क्वांटिटी विच हैव सम एरर इन देयर मेजरमेंट देन द रिजल्ट ऑल्सो हैज सम एरर। तो उस रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ एरर हुआ करती है, तो वो एरर यहाँ पढ़ेंगे हम एरर इन डिवीजन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा निकल कर। पहले फॉर्मूला समझेंगे और उसके बाद में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम एरर इन डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। वी हैव लेट एच इक्वल्स टू ए अपॉन बी, हेयर लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बी द एरर इन मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। यानी कि ए और बी का जब हमने मेजरमेंट किया तो ये मान लिया कि डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, एरर आया है उसमें, एंड डेल्टा एक्स बी द एरर इन कैलकुलेटिंग एक्स, और एक्स को कैलकुलेट करने में हमारे पास एरर क्या आया, डेल्टा एक्स आया। तो देयरफोर यहां लिखने का तरीका है x प्लस माइनस डेल्टा x लिखेंगे हम इसको, इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आगे क्या करना है हमें, यहां से x कॉमन ले लेते हैं हम, रिलेटिव एरर बना लेते हैं इसको, तो डेल्टा x अपॉन x बिकम्स रिलेटिव एरर। ऐसे यहां से a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रिलेटिव एरर कहलाता है। यहां से b कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये रिलेटिव एरर हो गया। a अपॉन b को हम x लिख सकते हैं, तो यहां x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये वाला टर्म है इसको ऊपर लिख सकता हूं मैं, डेल्टा b अपॉन b को माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नोट करेंगे सभी लोग, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1 है अगर, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। तब यहां देखें, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स रहेगा, ये रहा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए रखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसको देखें, यहां पर यूज कर रहे हैं 1, 1 है तो यहां 1 आ गया, माइनस हमारे पास प्लस माइनस है, तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको प्लस माइनस ही रखेंगे। डेल्टा बी पहला टर्म एज इट इज है, तो डेल्टा बी अपॉन बी, सेकेंड टर्म प्लस यानी प्लस माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर है यानी यहां पर जो टर्म है उसका स्क्वायर है, हमारे पास यहां टर्म क्या है डेल्टा बी अपॉन बी, तो हम इसको डेल्टा बी अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस एंड सो ऑन। हम ये बता चुके हैं कि डेल्टा बी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, डेल्टा बी को बी से डिवाइड करेंगे और ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी आएगी, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। सपोज करो ये 0.1 था डेल्टा बी, बी से डिवाइड किया मान लो बी 10 था, तो 0.01 आ गया, और इसको स्क्वायर किया तो 0.000 बना गया, कितना स्मॉल नंबर हो गया ये, तो ये क्या है नेग्लिजिबल है, तो इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। हमारे पास कम रह जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये होल क्वांटिटी फिर से बहुत स्मॉल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, अगेन अ स्मॉल क्वांटिटी, वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, सो वी विल गेट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 कैंसिल्स 1, वी गेट डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दिस इज द रिलेटिव एरर इन कैलकुलेटिंग डेल्टा एक्स। यहां से हम जो x क्वांटिटी है हमारे पास a अपॉन b, अगर मुझे उसका रिलेटिव एरर मालूम होगा तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, एरर फाइंड कर सकता हूं यहां से हम डिवीजन में। तो वी कैन सी दैट दिस इज द सिमिलर
एज वी हैव डिराइव्ड इन एरर इन प्रोडक्ट। तो जैसा हमने प्रोडक्ट में डिवाइड किया था वैसा ही फॉर्मूला यहां पर हमें मिला है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं एरर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ परसेंटेज एरर फाइंड करना हो तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कर लेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कर लेंगे एंड डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर लेंगे। तो दिस फॉर्मूला गिव्स यू द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लाई, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ वी हैव अनदर वन। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा ये सेम वे में हमने पहले ए अपॉन बी लिया, ए अपॉन बी लेने के बाद हमने क्या किया इसमें एरर्स जो है वो लिख दिए हमने एरर की फॉर्म में, यानी जब भी किसी क्वांटिटी में कोई एरर आएगा, जैसे हम पहले भी एग्जांपल दे चुके 3.9 लेंथ थी मेजरमेंट में, मैंने उसको कैलकुलेशन करते वक्त 4.0 कर दिया, मतलब 0.1% का उसमें एरर था, वो 4.1 भी हो सकता था 3.9 भी हो सकता था, तो मैंने उसको प्लस माइनस करके लिख दिया। लिखते हैं ना हम, एरर है मेरे कहीं पर है मेरे पास 3.9, मैं इसको क्या करता हूँ 4.0, कहीं पर है अगर मेरे पास 4.1 तो राउंड ऑफ करके मैं 4.0 ही लिखूंगा। तो मेरे पास ये टर्म है यानी कि ये 4.0 जो लिखा हुआ है तो इट मे बी 3.9 और इट मे बी 4.1, तो ये 3.9 भी हो सकता है 4.1, कहने का मतलब क्या है दोनों ही केसेस में 0.1 का एरर है। तो इसको जब लिखेंगे तो 4.0 प्लस माइनस 0.1 लिख दूंगा मैं, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो ये एरर को लिखने का मेथड है। ओके सो वी कैन हैव दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरर इन डिवीजन। सभी लोग सभी स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे कॉपी करेंगे अच्छे से। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आप इज इट क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। इफ वी हैव x इक्वल्स टू ए एम बी एन, इस टर्म में है अगर हमारे पास कुछ पास रेज हैं इस पर a और b पर, तब ये फॉर्मूला सिमिलर वे में आता है, बस इतना हो जाता है कि डेल्टा x अपॉन x अगर लिखना है तो वी कैन राइट m डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस m डेल्टा b अपॉन b। यहाँ जो पार्ट्स हैं इनका हम मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं, जो हम एरर निकालेंगे तो m यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, ये n यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना है तो इसका परसेंटेज एरर निकाल के डेल्टा x अपॉन x इन 200 m डेल्टा a अपॉन a इन 200 n डेल्टा b अपॉन b इन 200, ये इसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो आइए अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो ये हम टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो मूव करते हैं हम इसके टॉपिक पर, न्यूमेरिकल्स पर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, अ करंट ऑफ 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पीयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर विच कनेक्ट टू अ सप्लाई ऑफ 50 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन है हमारे पास, करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां हमारे पास क्या रहेगा, करंट यानी कि I रहेगा 5 एम्पियर और डेल्टा I यानी कि जो इसमें एरर है वो 0.1 एम्पियर है, वोल्टेज है हमारे पास 50 वोल्ट और जो इसका एरर है वो कितना है हमारे पास 0.5 वोल्ट। तो वी कैन फाइंड R इक्वल्स टू V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला हुआ करता है, तो R इक्वल टू V अपॉन I, V है हमारे पास 50 अपॉन 5
ओम रेजिस्टेंस हमें मिल जाया करता है यहां से। नाउ अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, इस फॉर्मूले का हमने वो फॉर्मूला बनाना है एरर फाइंड करने के लिए। तो डेल्टा आर अपॉन आर लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी और प्लस माइनस डेल्टा आई अपॉन आई। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा कि अगर मुझे एरर काउंट करना है डिवीजन में तो इस तरह से इसको लिख लिया करो, जो भी क्वांटिटी डिवीजन में है मल्टीप्लाई में सबका एरर प्लस करके लिख दिया जाता है, रिलेटिव एरर। ये क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। तो आर को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी प्लस माइनस डेल्टा आई अपॉन आई। तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए प्लस माइनस वी का सिर्फ प्लस लिखते हैं हम। वी कैन कैलकुलेट डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी इज 0.5 अपॉन वी 50 प्लस डेल्टा आई 0.1 डिवाइडेड बाई 10 आर की वैल्यू। ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो ये बचेगा 550 प्लस 10 से 1/5, क्या आएगा आंसर, 5 × 5 = 0.1 प्लस 0.2, 5 × 10 ये हो गया 0.3 ओम डेल्टा आर। देयरफॉर रेजिस्टेंस जो हम लिखेंगे वायर का वो कैसे लिखेंगे, आर प्लस माइनस डेल्टा आर मीन्स 10 ± 0.3 ओम। एंड परसेंटेज एरर जो निकालेंगे इसका, परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो डेल्टा आर इज 0.3, आर इज 10 × 100 बिकम्स 3%। तो ये हमारा क्या निकल आया, 3% का एरर निकल आया इसके कैलकुलेशन में। इस तरह से हमें डिवीजन रूल पर क्वेश्चंस करने हैं एरर फाइंड करने के लिए कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं इस तरह से ऐड और मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें क्या एरर आएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमने दूसरा क्वेश्चन बताया था उससे रिलेटेड एरर निकालेंगे। तो देखें आगे इसको, सभी लोग इसे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द परसेंटेज एरर, इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 1%, then find the percentage error in calculating area of circle. इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें परसेंटेज एरर किसी कैलकुलेशन मेजरमेंट में दे रखी है, रेडियस के मेजरमेंट में। तो रेडियस आर लेते हैं तो हमें दे रखा है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू 1%। ये क्या है हमारे पास, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस। तो रेडियस को जो मैंने मेजरमेंट किया उस रेडियस के मेजरमेंट में 1% का एरर था, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब एरिया क्या होता है सर्किल का, एरिया इक्वल टू हुआ करता है पाई आर स्क्वायर। पाई इज अ कॉन्स्टेंट, कोई लेना देना नहीं है। जब भी किसी क्वांटिटी पर जो मुझे परसेंटेज एरर फाइंड करना है या जिसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर उस क्वांटिटी पर कोई पावर रेज है तो इसका एरर निकालने का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा ए अपॉन ई। अगर मैं निकालना है तो ये 2 पहले लिख दिया जाएगा एंड डेल्टा आर अपॉन आर, दिस इज द रिलेटिव एरर। कैसी एरर आई है, ये रिलेटिव एरर आया, आर स्क्वायर है तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर, आर क्यूब होता तो 3 डेल्टा आर अपॉन आर, इसके साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई में होता तो प्लस उसका डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी, व्हाटएवर जो भी क्वांटिटी होती। अब इसका मुझे परसेंटेज एरर बनाना है तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये क्या बन जाता है परसेंटेज एरर इक्वल टू 2। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है 1%। तो वी कैन फाइंड डायरेक्टली द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। इन दिस वे वी कैन फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी। सो आर यू गेटिंग,
all the students are getting. So move to next question. Next question हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ फिजिकल क्वांटिटी. अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू ए बी एंड सी एज ए क्यूब बी अपॉन अंडर रूट सी. ए क्यूब बी अपॉन अंडर रूट सी. If percentage error in measurement of A, B and C are 1%, 2% and 4%, then find the percentage error in calculating P. तो P के calculation में percentage error हमें find करना है. तो P के calculation में percentage error कैसे find करेंगे, आइए देखते हैं. P, ये question है मेरे पास, P equals to A cube B upon under root C. तो अब इस question में हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है. पहले कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, तो पी का परसेंटेज एरर निकालना है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100. ए क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी, कोई पार नहीं है, डायरेक्टली डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी. अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर हुआ करता है, तो 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100. ये परसेंटेज एरर ए का हो गया, ये परसेंटेज एरर बी का हो गया, ये परसेंटेज एरर सी का हो गया. तो 3 इंटू ए का परसेंटेज एरर हमें 1% दिया हुआ है प्लस बी का परसेंटेज एरर 2% दे रखा है प्लस 1/2 इंटू सी का परसेंटेज एरर हमें 4% दे रखा है. 2 × 4 3 प्लस 2 प्लस 2 वी गेट 7%. तो वी विल गेट 7% एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ दैट क्वांटिटी पी. इस तरह से हम एरर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको नोट करें सभी लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग जी इफ 10 सेंटीमीटर लेंथ is known to 1 mm accuracy and 0.5 second time period is measured for 100 oscillation with 1 second accuracy. यानी कि ये तुम्हारे पास L है 10 सेंटीमीटर का, इसमें जहां पर 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर का एरर हम मेजर, यानी 1 mm एक्यूरेसी का मतलब क्या है, 1 mm तक एक्यूरेट माप सकता हूं. यानी कि अगर मैक्सिमम एरर होने के चांसेस तो 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर के चांसेस हैं, और 0.5 सेकंड टाइम पीरियड है और तुम्हें 100 ऑसिलेशन करना, 100 टाइम मैंने काउंट किया है उस वॉच से, जिसका जो रेजोल्यूशन है 1 सेकंड तक का डिफरेंस मतलब एरर आ सकता है. तो यहां पर तुम्हें जी में निकालना है, तो इस फॉर्मूले को पहले हमें चेंज करना है जी के लिए, क्योंकि मुझे जी का एरर निकालना है. तो जो भी फॉर्मूला रखा था उसको पहले अरेंज करते हैं हम. पी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी. तो जी equals to 4 pi square L upon T square. Now this is the constant. 4 pi square क्या है, constant है, तो यहां से हमें कोई मतलब नहीं है. हम चलते हैं सीधा G के लिए, तो delta G upon G into 100 आ जाता है. इसको छोड़ते हैं L, delta L upon L into 100, percentage error है, T square लगा हुआ है तो 2, delta T upon T into 100, ये हमारे पास calculation करना है. तो डेल्टा एल का मतलब 1 mm को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 0.1 एल है मेरे पास 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू डेल्टा टी 1 सेकंड इंटू 100, और टाइम कितना है मेरे पास, यहां देख लेंगे एक बार टाइम के लिए,
टाइम 0.5 था, तो जो टाइम निकल कर आएगा 0.500 ऑसिलेशन के लिए, तो कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, 100 ऑसिलेशन का मल्टीप्लाई करना था अपॉन 50, तो 50 × 100, 10 × 100, 0.1 × 10 1 प्लस 2 × 4, यहाँ आगे कर लेते हैं इसको हम, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, यानी कि 0.1 × 10 1 प्लस 2 × 4 गिव 5%, यानी कि 5% का एरर आएगा और 95% में एक्यूरेटली जी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इस ऑब्जर्वेशन से। तो इस तरह से हम एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को और क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं इसी पर बेस्ड।